ताइवान के साथ लगातार उकसावे का खेल खेल रहा है, ताइवान बर्दाश्त कर रहा है, इसके बावजूद कि उसके साथ शक्तिशाली अमेरिका का साथ है, अभी तक बर्दाश्त कर रहा है, लेकिन उसने भी स्पष्ट कर दिया है कि इस बार सॉवरेनिटी को थ्रेट बर्दाश्त नहीं की जाएगी। जिनपिंग का ये डर्टी गेम जारी है, लेकिन उधर से अटैकिंग मोड में है प्रेसिडेंट, और उन्होंने ये तय कर दिया है ताइवान की प्रेसिडेंट ने कि अब ये बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। चीन ने फिर से ताइवान की हवाई सीमा में घुसपैठ की है, और इस बार क्या किया है उसने, ये एयर डिफेंस आइडेंटिफिकेशन जोन, आप जानते हैं क्या होता है, एयर डिफेंस आइडेंटिफिकेशन जोन को इंट्रूड करके एक बार फिर से चीन का एक फाइटर एयरक्राफ्ट ताइवान के ADIZ में घुसा, और उसके बाद एक बार फिर से मिसाइल्स के जरिए उसको टारगेट किया गया, मॉनिटर किया गया। हालांकि इससे पहले कि उसकी तरफ मिसाइल चलाने की नौबत आती, वो वापस चीन की टेरिटरी में चला गया। लेकिन ये क्यों हो रहा है, साउथ वेस्ट सीमा में घुसा Y-8 एंटी सबमरीन, ये एंटी सबमरीन एयरक्राफ्ट था जो ताइवान के ADIZ के दक्षिण पश्चिमी हिस्से में उड़ान भर रहा था। ताइवान के एयरफोर्स ने भी फौरन ही लड़ाकू जेट भेजे, और उसके बाद एंटी एयरक्राफ्ट मिसाइल सिस्टम से तैनात किया गया। और लेकिन 16 सितंबर से अभी तक 11 बार ताइवान की सीमा में घुस चुके हैं, ताइवान के एयर स्पेस में घुस चुके हैं, ताइवान के ADIZ में घुस चुके हैं चीन के फाइटर जेट्स। सीधे उकसावा किया जा रहा है, हालांकि प्रोवोकेशन इसी हद तक किया जा रहा है, ब्रिंकमैनशिप की जा रही है, और यह कोशिश की जा रही है कि इसमें अपना आपा खो दे ताइवान और चीन को मौका मिल जाए। जिनपिंग का ये डर्टी गेम अटैकिंग मोड में है मैडम, कहां पर, हमने आपको बताया ताइवान एक आइलैंड बेचारा, और वो अपने कामों की वजह से कोरोना के समय में भी आपने देखा कि उसने किस खूबसूरती से इस चुनौती से निपटा और इसको एक मिसाल बनाया पूरी दुनिया में, उस ताइवान के ऊपर लगातार थ्रेट बरसाने का काम शी जिनपिंग की तरफ से किया जा रहा है। ताइवान के हवाई सीमा में घुसा चाइनीज एयरक्राफ्ट, और उसको फौरन ही न सिर्फ लोकेट किया गया बल्कि उसको रेडियो संदेश दिए गए कि यहां से उसको वापस जाना चाहिए, और चीन ने इस तरीके से ताइवान के एयर डिफेंस आइडेंटिफिकेशन जोन का 16 सितंबर से अभी तक 11 बार उल्लंघन किया है। ये वर्ल्ड फ्रेटर्निटी देख रही है, ये तमाम मुल्क देख रहे हैं, चीन की दादा, उधर हम टर्की की दादागिरी की बात कर रहे थे, पाकिस्तान की ढिठाई क्या है वो हमने आपको दिखाई, और यहां पर हम आपको दिखा रहे हैं कि चीन किस तरीके से लगातार अपने आसपास के मुल्कों को, साउथ चाइना सी से लगे पूरे मुल्कों को लगातार थ्रेट कर रहा है और खुद को दादा के तौर पर साबित करना चाहता है। क्या आप पर भी बरपा है जालसाजी का कहर, सपने टूटे आपके न घर के न घाट के, क्या आप भी हुए हैं धोखाधड़ी के शिकार, भेजिए अपनी आप बीती lootghar@tv9.com पर, देखिए रोज रात 9:30 बजे, फिक्र आपकी।